गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और आज हम अमरकंटक के लिए जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड, अभी सुबह का 6:30 बजा है और हम लोग घर से 3:30 बजे सुबह से उठ के चल रहे हैं। तो अभी 6:30 बजा है तो हम लोग चल रहे हैं। तो फ्रेंड, ये अपने ही घर की गाड़ी है और ये मेरे पीछे जितने सब सोए हुए हैं, कंबल वंबल डाल के मेरे साथ से जा रहे हैं। एक आंटी बैठी हैं और मेरी मम्मी है, 3 फ्रेंड हैं, मेरा भाई गाड़ी चला रहा है। तो हम लोग कुछ दूरी अभी बचा हुआ है हमारे घर से, हमारे सिटी से, मतलब ये 300 किलोमीटर दूर पड़ता है जो कि पहाड़ों पर बसा हुआ है। देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसी पर हम लोग को चढ़ना है। तो पहाड़ों के रास्ते बने हुए हैं तो हम उसी पहाड़ों के रास्ते से हम लोग को धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। तो इसमें रोड लाइन बनी हुई है तो हम कुछ और कुछ किलोमीटर्स बचे हुए हैं तो हम धीरे से इन पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये पहाड़ों पे बसा हुआ है अमरकंटक फ्रेंड, तो यहाँ हम लोग को कुछ और समय लगेगा पहुँचने पे। हम ये अब प्रवेश द्वार तक तो पहुँच ही गए हैं, अभी भी हमें मंदिर तक पहुँचने में टाइम लगेगा थोड़ी। हम लोग अमरकंटक में मतलब प्रवेश कर चुके हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ फ्रेंड। यहाँ से क्या कहते हैं मतलब नर्मदा का उत्पत्ति होता है, यहीं से उत्पत्ति होता है। तो वहाँ के मंदिर पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे। तो ये हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और ये है जलधारा जहाँ पे नहाने वहाने का व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं और ये है यहाँ से निकासी हुई जो नदी निकल रही है वो। और यहाँ पे जो हम क्या बोलते हैं मंदिर के आसपास जो मेले लगते हैं उन सब दुकान वगैरह पूजा पाठ का सामान का जो दुकानें लगती है वो सब दुकानें हैं। मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ तो यहाँ पे सब ये जो क्या बोलते हैं जो गरीब लोग होते हैं उन लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस तरफ से मैं आगे बढ़ रही हूँ जहाँ नर्मदा नदी का उत्पत्ति होती है, तो वहाँ नर्मदा मंदिर बना हुआ है। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यहाँ मैं धीरे पहुँच ही रही हूँ, मेरी मम्मी लोग पहले से जा चुके हैं, मुझे उनको ढूंढना भी है तो साथ में ढूँढूँगी भी। और यहाँ का जो दर्शन तो मैं बाहर से ही करूँगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज ये संडे भी है तो मैं अंदर ये प्रवेश कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ बहुत ही भव्य टाइप से काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। ये देखिए, ये है यहीं से नर्मदा मंदिर का जो बीच में बना है और यहीं से उत्पत्ति होती है नर्मदा जल का। अभी चारों तरफ मंदिर ही बनी हुई है। आज बहुत भीड़ है फ्रेंड, आज संडे है तो पिकनिक के लिए भी आते हैं यहाँ लोग, काफ़ी पर्यटक स्थल है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मैं यहाँ काफ़ी देर से घूम के मेरी मम्मी लोग को ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिले उन लोग, क्योंकि शायद वो लाइन लगे हुए होंगे। तो ये देखिए यहीं से उत्पत्ति होती है, ये है नर्मदा का उत्पत्ति यहीं से होती है, यहीं से बह के जा रहा है। देखिए स्कूल के बच्चे, काफ़ी कई स्कूल के बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं, सब पिकनिक के मनाने भी आते हैं यहाँ पे और साथ में दर्शन भी करते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और यहीं से नर्मदा का उत्पत्ति होता है, यहाँ से ही निकलते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है फ्रेंड। कभी आपको समय मिले तो आप यहाँ ज़रूर आइए, देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हम रात से निकले हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और गए थे एक क्या बोलते हैं धर्मशाला में, वहाँ थोड़ा सा रुके 10-5 मिनट, फिर उसके बाद निकल के आगे। ये देखिए
यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, मेन मंदिर यहीं पे, काफ़ी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो मैं बाहर से ही दर्शन करके निकल जाऊँगी क्योंकि हमें वापसी भी करना है और अभी काफ़ी जगह भी जाना है। तो मैं हम लोग अभी तीन ही जगह का प्लान किए हैं कि तीन जगह ही देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर है, हमें वापसी भी करनी है। तब मैं इधर से घूमते हुए बाहर निकल जाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी लोग तो मुझे मिले नहीं, वो आ जाएंगे पीछे से क्योंकि मुझे पता है वो भीड़ में होंगे, लाइन लगाए होंगे क्योंकि वो तो पूजा करके ही निकलेंगे। तो मैं इधर से निकल जा रही हूँ वापस घूम के एक राउंड, फिर यहाँ से हम लोग, मैं बाहर आ गई हूँ अब, यहाँ से हम लोग दूसरी जगह चले गए हैं, यहाँ पे कपिल धारा बोलते हैं, तो यहाँ एक झरना है तो वो झरना देखेंगे। यहाँ से ये पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ से ये झरना का है जो निकलेगा यहाँ से बाहर, इसे सबसे पहले यहाँ को कपिल धारा कहते हैं। ये देखिए बहुत ही ऊंचाई से यहाँ का झरना है जो गिर रहा है, और मैं आपको नीचे से भी जाके दिखाऊंगी। ये झरना देखिए यहाँ से, ये इसकी ऊंचाई, यहाँ से ये झरना, ये बहुत नीचे है, तो यहाँ छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे साइड पे एक छोटा सा देखने के लिए बनाया गया है, वहीं पे मैं जा रही हूँ और वहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि इसकी ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी जगह मिल जाए थोड़ा सा देखने के लिए। ये देखिए इसका ऊँचाई, तो लोगों के बीच में मुझे नहीं समझ आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिक्सी भी है। ये देखिए इसका पूरा ऊँचाई, यहाँ से लोग नीचे जो हैं वो बिल्कुल दिख नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, कैमरा में तो बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा होगा। तो ये इसकी ऊंचाई है, हम यहाँ से खड़े होकर यहाँ से शूट कर रही हूँ मोबाइल से, और चलिए मैं अब आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। अब मैं नीचे से जाऊँगी क्योंकि घूम के जाना पड़ेगा, काफ़ी लगभग आधे किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा मुझे, तो पहुँचूँगी तो इधर से घूम के हम दूसरे साइड से मेरी फ्रेंड और ये आंटी के साथ हम लोग।
जहाँ पे किसी कोई ऋषि मुनि वो किए थे। तो देखिए ये छोटा सा झरना, इसे दूधधारा कहते हैं। ये देखिए ये है वो गुफा, उस गुफा के अंदर मैं जरा सा ही प्रवेश करूँगी क्योंकि अंदर का तो अंधेरा है, तो शूट करने से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ये लोग अंदर से बाहर निकल रहे हैं, मैं बस इतना ही तक जाऊँगी, अंदर नहीं जाऊँगी। तो गुफा से बाहर निकल रहे हैं लोग, अंधेरा है, शूट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अंदर भी नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर निकल आई हूँ। और बाहर पे अब यहाँ से मैं वापसी करूँगी। देखिए यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, इसे दूधधारा कहा जाता है। फ्रेंड अब हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है ये जैन मंदिर जो कि बहुत ही सालों से बन रहा है और ये बहुत ही भव्य तरीके से बन रहा है। एकदम 11 तल्ले की ऊंचाई पे ये वाली मंदिर बन रही है और ये वाली मंदिर पहले से भी ये भी बन रही है और ये काफ़ी सालों से बन रही है और पता नहीं अभी और कितने साल लग जाएंगे इसे बनने में, क्योंकि इसे बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। तो इसे भी देख लेते हैं अंदर जाके कि ये कैसा है, इसमें काम चल ही रहे हैं। जब ये बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड, ये देखने से ही अभी ही कितनी अच्छा लग रहा है। यह है इसका ऊपर का जो पहला राउंड दरवाजे के पास में, मैं अंदर जाकर दिखाती हूँ। यहाँ भी स्कूल के बच्चे पहुँच चुके हैं। तो ये रहा ये जैन मंदिर जो काफ़ी सालों से बन रहा है। और तो फ्रेंड अब यहाँ से हम लोग निकल के कहीं पे खाना ना खाएंगे और घर वापसी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।